हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। वृंदावन का सबसे अलौकिक और प्राचीन मंदिर है श्री बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा जी समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रासस्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से आकर्षित किया करते थे। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रीझ कर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। हरिदास जी मंत्र मुक्त होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। स्वामी जी के अनुयायियों ने एक बार उनसे उनकी साधना को देखने और आनंद लेने के लिए निवेदन किया और कहा कि वे निधि वन में दाखिल होकर उन्हें तप करते देखना चाहते हैं। अपने कहे अनुसार वे सभी निधि वन के उस स्थान पर भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने जो देखा वह देख कर वे हैरान हो गए। हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूब कर भजन गा रहे थे और अचानक उनके सुरों में बदलाव आने लगा। वहां स्वामी जी नहीं वरन एक तेज रोशनी थी, इतनी तेज मानो सूरज हो और अपनी ऊर्जा से सारे जग में रोशनी करते। इस प्रसंग के बाद ही स्वामी जी के अनुयायियों को उनकी भक्ति और शक्ति का एहसास हो गया। स्वामी जी के निवेदन से ही श्री कृष्ण और राधा उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्हें जाते जाते अपनी एक मूरत सौंप गए। इस दृश्य को स्वामी जी के सभी भक्तों ने अपनी आंखों से देखा था। कहते हैं श्री कृष्ण की मौजूदगी का असर ऐसा था कि कोई भी भक्त अपनी आंखें भी झपका नहीं पा रहा था, मानो सभी पत्थर की मूरत बन गए हो। इस तेज से प्रज्वलित होकर स्वामी जी ने राधे कृष्ण से आग्रह किया कि कृपा वे अपने इस रूप को एक कर दें, यह संसार उन दोनों के इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। साथ ही वे जाने से पहले अपना एक अंश उनके पास छोड़ जाए। स्वामी जी की इसी इच्छा को पूरा करते हुए राधे कृष्ण ने अपनी एक काली मूर्ति वहां छोड़ दी। यही मूर्त आज बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। कहते हैं कि जो कोई भी भक्त मंदिर परिसर पर रखी कान्हा की इस मूर्त की आंखों की ओर अधिक समय तक देखता है, वह अपना आपा खोने लगता है। आज भी इस मूर्त की आंखों में उतना ही तेज है जो कान्हा के होने का एहसास दिलाता है। एक और कथा जो बहुत मान्य है वृंदावन में, वो ये है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को हर थोड़ी देर में पर्दे से ढक दिया जाता है ताकि बिहारी जी अपना स्थान छोड़कर कहीं चले न जाए। कहते हैं कि अगर कोई श्री बांके बिहारी के मुखाविंद को लगातार देखता रहे तो प्रभु उसके प्रेम से मंत्रमुग्ध होकर उनके साथ चल देते हैं, इसलिए हर कुछ देर में पर्दा उनको ढक दिया जाता है। बांके बिहारी जी भक्तों की भक्ति से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि मंदिर में अपने आसन से उठकर भक्तों के साथ चल देते हैं, इसलिए मंदिर में उन्हें पर्दे में रखकर उनकी क्षणिक झलक ही भक्तों को दिखाई जाती है। लोक कथाओं के अनुसार कई बार बांके बिहारी ऐसा कर चुके हैं, मंदिर से गायब हो चुके हैं, इसलिए ये पर्देदारी की जाती है। भक्त बताते हैं कि यह मंदिर शायद अपनी तरह का पहला मंदिर है जहाँ सिर्फ इसी भावना से कि कहीं बांके बिहारी जी की नींद में खलल न पड़ जाए, इसलिए सुबह घंटे नहीं बजाए जाते, बल्कि उन्हें हौले हौले एक बालक की तरह उन्हें दुलार कर उठाया जाता है। इसी तरह संजा आरती के वक्त भी घंटे नहीं बजाए जाते ताकि उनकी शांति में कोई खलल न पड़े। यह जानकर आप शायद हैरान हो जाएंगे कि बांके बिहारी जी आधी रात को गोपियों के संग रासलीला करने निधिवन में जाते हैं और तड़के 4 बजे वापस लौट आते हैं। भक्त बताते हैं कि ठाकुर जी का पंखा जलते जलते एक सेवक की अचानक आंख लग गई। चौंक कर देखा तो ठाकुर जी गायब थे, पर भोर 4 बजे अचानक वापस आ गए। अगले दिन वही सब कुछ दोबारा हुआ तो सेवक ने ठाकुर जी का पीछा किया तो ये रास खुला कि ठाकुर जी निधिवन में जाते हैं। तभी से सुबह की मंगल आरती का समय थोड़ा देर से कर दिया जिससे ठाकुर जी की अधूरी नींद पूरी हो सके। अक्सर भक्तगण कान्हा की बांसुरी की धुन, निधिवन में नृत्य की आवाजें आदि के बारे में किस्से यह कहकर सुनाते हैं कि हमें किसी ने बताया है। ऐसे कितने ही किस्से कहानियां वृंदावन में चप्पे चप्पे पर बिखरी हुई है। तो दोस्तों, जिंदगी में मौका मिले तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर जरूर पधारिए। बांके बिहारी जी आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे।
राधे राधे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो को आप लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। और जल्द ही हम आपके लिए एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।